आप कहेंगे कि जब किसी वस्तु को हम लोग गुरुत्व त्वरण के बारे में बता रहे हैं कि जब कोई वस्तु है उस वस्तु को हम लोग ऊपर से कहाँ गिराते हैं, नीचे, और उस वस्तु में एक सेकेंड में जो वेग में वृद्धि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व त्वरण कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं और उस वस्तु में एक सेकेंड में होने वाला जो वेग वृद्धि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व त्वरण कहते हैं। बाबू ऊपर से नीचे छोड़ते हैं और उस वस्तु में एक सेकेंड में जो वेग में वृद्धि होगा उसी को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होती है और इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। कहीं इसका मान 9.8 होता है तो कहीं इसका मान कितना होता है, 10 होता है। सब लोग याद करें, तो जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं और उस वस्तु में, ठीक है, एक सेकेंड में होने वाले जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं। अब चलो हेडिंग बना लो सब लोग, गुरुत्व त्वरण जी के मान में परिवर्तन, हेडिंग बना लो। अच्छा पढ़ लियो तुम लोग, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। अंग्रेजी में लिख लो, परिवर्तन अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। से लिखो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी। अब इसमें पहला हेडिंग रहेगा ए नंबर, पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन। स्मॉल जी, जी का मतलब गुरुत्व त्वरण, जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। अच्छा बताओ, तुम लोग सभी लोग जानते होगे कि अगर हम एक फिगर बनाए, सब लोग ध्यान से देखना इस तरीके से, और इसे मिला दे हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। जो ऊपर वाला होता है हमेशा ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, जो नीचे वाला होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। और इसको हम लोग कहते हैं, ये जो रेखा खींच रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब आ जाओ, अब इसमें कुछ बातें हम लोग लिखते हैं। देखो पहले समझ लो कुछ बातों को, तब लिखना कि जब तुम लोग ध्रुवों पर जाओगे ना तो ध्रुवों पर देखो एक दो बात हो रही है, एक तो भूमध्य रेखा हो रही है और एक बात ध्रुव पर हो रही है। ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, बीच वाला हिस्सा जो दिख रहा है उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यदि हम लोग जब भी बात करेगा कि यदि हम भूमध्य रेखा पर जाएँ तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव के त्रिज्या के तुलना में 21 किलोमीटर अधिक होती है। यदि हम भूमध्य पर जाएं, जैसे त्रिज्या का मतलब ये होता है कि ध्रुव है, अगर उसका रेंज 100 किलोमीटर का है, ध्रुव पर अगर आप जाते हैं तो 100 किलोमीटर है, तो अगर आप भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो 21 किलोमीटर बड़ा हो जाएगा, 21 किलोमीटर बड़ा हो जाएगा, यानी 121 किलोमीटर आ जाएगा बड़ा। अब तुम लोग बताओ मुझे कि अब बताओ किस पर माने ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है, ठीक है। तो देखो हम बताते हैं, खूब ध्यान से समझना, खूब ध्यान से समझना।
पहले तो एक बात वाली लिख दीजिए, हम बताए थे कि यदि हम जब भूमध्य रेखा पर जाते हैं, भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो उसका त्रिज्या, तो उसका त्रिज्या ध्रुवों के तुलना में 21 किलोमीटर अधिक होता है, अधिक होता है। यदि हम जब भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो उसकी जो त्रिज्या होती है वह ध्रुवों के तुलना में 21 किलोमीटर का होती है बाबू, अधिक होती है। अब एक चीज बताओ सब लोग, तुम लोग अब एक चीज बताओ, चीज ये बताना आपको कि आपने तो कह दिया कि 21 किलोमीटर अधिक होती है, लेकिन एक चीज आपको ये बताना है कि आपने सिद्ध किया था स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का सूत्र, कुछ याद आ रहा है? स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का सूत्र क्या होता है? अभी लिखना मत समझो, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बट्टा में आर ई स्क्वायर। जब आपने कहा था बाबू कि जी गुरुत्वीय त्वरण है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, चाहे किसी वस्तु की त्रिज्या है, अगर आप जरा सोचो भाई पूरा हटा दो, खाली आर ई स्क्वायर की बात करें, खाली किसकी बात करें? आर ई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसकी त्रिज्या, अच्छा जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, उल्टा अधिक रहेगा, जिसकी त्रिज्या अधिक उसका गुरुत्वीय त्वरण कम, जिसकी त्रिज्या अधिक उसका गुरुत्वीय त्वरण कम। देखिए बट्टा में यही हाल होता है, नीचे जब रहेगा तो उल्टा होता है, जिसकी त्रिज्या अधिक उसका गुरुत्वीय त्वरण कम। तो ये बताइए, अब हम आपको पूछ रहे हैं कि किसकी त्रिज्या अधिक हो रही है, भूमध्य रेखा की ना, क्योंकि भूमध्य रेखा की त्रिज्या 21 किलोमीटर अधिक है, तो त्रिज्या किसकी अधिक हो रही है? भूमध्य रेखा की। तो गुरुत्वीय त्वरण किसकी कम होगी? भूमध्य रेखा की, क्योंकि जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसकी गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, जिसकी त्रिज्या कम होगी उसकी गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण किसकी अधिक होगी? ध्रुवों की, क्योंकि ध्रुवों की त्रिज्या कम है, और भूमध्य रेखा की त्रिज्या कितना है? 21 किलोमीटर अधिक है ना, तो त्रिज्या किसकी अधिक है? भूमध्य रेखा की। तो गुरुत्वीय त्वरण किसकी कम होगी? भूमध्य रेखा की। बात समझ में आया? माने जो जितना ही बड़ा रहता है उसकी गुरुत्वीय त्वरण उतना ही कम होता है। तो नोट पॉइंट में लिख लेना, अभी समझ लो, तो लिख लेना पहला कि भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुव से अधिक है, इसलिए इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। दूसरा लिख लेना, ध्रुवों का गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा, ध्रुवों का गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा। कुछ सीख मिला आपको? अब इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के, अच्छा अगर पहले सुन लो, पहले तो घूर्णन अक्ष देखो होते का घूर्णन गति पहले जानो, हेडिंग बना लो घूर्णन गति, अंग्रेजी में कहते हैं रोटेशनल घूर्णन मुड़न गति, कौन गति? अच्छा मुड़िया छिला के जो अच्छा हो जाए तो जगह और नुआ है रोटेशनल मोशन। अब इसको तो समझ, अच्छा ये बताओ कि कोई वस्तु, अच्छा ये बताओ फिर क्या आवता है बाबू? देखो अभी जानो घूर्णन गति कहते किसे है, कोई वस्तु है ठीक बनो, जब वो वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष का मतलब जानते हैं ना, जैसे
एक पंखा देखते हो ना, पंखा जैसे घूमता है भैया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इस तरीके से चारों ओर। जब कोई वस्तु माने एक स्थिर अक्ष के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर घूमता है तो उसी को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। याद करो, याद हो घूर्णन गति कि जब कोई भी वस्तु है, हाँ अच्छा, घड़ी की सुई देखते हैं ना, वह भी एक प्रकार की घूर्णन गति करती है। तो घूर्णन गति का मतलब क्या, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चारों ओर से गति करती, लट्टू की गति देखे होगी, पंखा की गति देखे होगी, पृथ्वी की गति देखे होगी, साइकिल के माने अगर खड़ा करके ना चल जाता तब न तो एक ही गति हो जाएगा। तो लिख लो घूर्णन गति में कि जब कोई वस्तु एक स्थिर अक्ष के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, उदाहरण में लिख लो पंखा की गति, पृथ्वी की गति, चलिए दो चार लिख लो। जब भी आपसे कोई पूछेगा घूर्णन गति, अच्छा घूर्णन गति का मतलब ये उदाहरण देखोगे, जो गेंदबाजी कोई करता है ना तो देखना गेंदबाज टर्न करता हुआ आगे जाता है, चाहे कोई फुटबॉल मारता तो घूमता हुआ तब हुआ आगे जाता है, जब ऐसे नाचता हुआ आगे जाता है ना तो वही घूर्णन गति कहलाता है। जब कोई भी वस्तु नाचता हुआ आगे जाता है दूसरा में पृथ्वी गति, जल्दी से लिखो, आवाज आओ नेक्स्ट। अब लिख लो हेडिंग, घूर्णन अक्ष के कारण जी के मान में परिवर्तन पृथ्वी के, मिटा दे सर, देख लेना बाबू ध्यान से एकदम पढ़ना, मिटा रहे घूर्णन गति जाने सब लोग। पंखा कौन सी गति करता है, पृथ्वी कौन सी गति करती है, चंद्रमा कौन सी गति, सबको याद हो गया होगा। लिखो पृथ्वी के, अगला हेडिंग है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। अब देखो ध्यान से सब लोग, जब भी परिवर्तन की बात करेगा तो आप क्या बता सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या को आप क्या मानेंगे, याद करो त्रिज्या का आरी बात है, आरी हो गया पृथ्वी केंद्र है। तो देखो अब इसमें लिखना है कुछ बात, माना कि पृथ्वी अपने अक्ष के पर, ये अच्छा हो, ये अच्छा, इसी अक्ष के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है, मान लो ये घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अच्छा है। देखो बाबू सब लोग ये क्या है, पृथ्वी है, अच्छा आपको याद है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, अगर घूर्णन जैसे ऐसे घूमती हुई ना नाचती हुई तब आगे बढ़ती है, तो अगर इस तरीके से एक बार नाचती है तो 24 घंटे का समय लगता है और आगे बढ़ती हुई जब चक्कर लगाती है तो 365 दिन का समय लगता है। ध्यान रखना, अब सुनो लिख लो थोड़ा सा, घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी का मान में परिवर्तन, ठीक है। तो लिखो माना पृथ्वी अपने आज के परिता कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, माना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने
अक्ष पर ओमेगा है, क्यों लिख देता नहीं, ओमेगा कहते हैं, ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है, गति हाई ओमेगा हमारे हैंग रहता है, डबल कर रहता हूँ, ओमेगा कर देता तो तुमने पढ़े अनुभार बराबर डब्ल्यू बाबू एम जी होता है ना, समीकरण नंबर एक, ठीक है। पृथ्वी कोणीय वेग से गति कर रही है, जब कोणीय वेग से गति कर रही है तब अगले के नाम समीकरण नंबर के, यदि घूर्णन करते हुए पिंड का गुरुत्वीय त्वरण जी डैश हो, गुरुत्वीय त्वरण जी डैश होता, अब बताओ जब जी डैश होगा तब क्या होता है, भार बराबर डब्लू डैश बराबर एम जी डैश, डब्लू डैश बराबर एम जी डैश, इधर देखो सब लोग एम जी डैश समीकरण नंबर, ठीक है, एम जी डैश सबको याद हो गया, ठीक है। और अभिकेंद्र बल निकाल लो यहाँ से, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, जो केंद्र की ओर कार्य करता है, तो अभिकेंद्र बल निकालोगे ना तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा यह बराबर, देखो ध्यान से होता क्या है, एम आर ई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एफ को क्या कहते हैं याद है, एफ को क्या कहते हैं, एम को क्या कहते हैं द्रव्यमान, आर ई को क्या कहते हैं पृथ्वी की त्वचा, ओमेगा को क्या कहते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर लिखना डब्लू डैश बराबर डब्लू माइनस एफ, डब्लू डैश बराबर डब्लू माइनस एफ, डब्लू डैश की जगह लिखा जाएगा एम जी डैश, एम जी डैश, और डब्लू की जगह पर लिखा जाएगा एम जी, और एफ की जगह पर हो जाएगा एम आर ई ओमेगा स्क्वायर। सुनो एम जी डैश, अच्छा बताओ दोनों में क्या यम है ना, तो यम कॉमन ले लो तो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और यम से यम कैंसिल हो जाएगा, यम से यम कहा आ जाएगा कैंसिल, तो कहा आ जाएगा बाबू आपके पास सूत्र जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का सूत्र आएगा यही आएगा, समझे, जी डैश बराबर जी आर ई माइनस ओमेगा स्क्वायर, जहां लिख सकते हो जहां कौन क्या है, जी डैश गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन को दर्शा रहा है, जी क्या दर्शा रहा है बाबू, गुरुत्वीय त्वरण को दर्शा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण को दर्शा रहा है, आरी क्या है त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या, ओमेगा का है कोणीय वेग, ओमेगा इसको पढ़ते हैं कोणीय वेग, जब भी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करता है ना, वृत्त पर जब गति करता है तो उसका मुख कोणीय वेग का, ठीक है। अच्छा समझा देखो हेडिंग कहा है आपका, पहले समझो बाबू और तुम लोग भी, हेडिंग आपका ये है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन का सूत्र, जब पृथ्वी घूर्णन अक्ष पर घूमेगी तो जी के मान में परिवर्तन का सूत्र होगा, तो माना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है, ये कोई घूर्णन अक्ष है कोई पृथ्वी है, उसका जो घूम रहे उसका कोणीय वेग का है ओमेगा है। तो पहले भार पड़े होंगे ना, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है समीकरण नंबर एक, यदि घूर्णन गति करते हुए पिंड का गुरुत्वीय त्वरण जी डैश हो तब भार डब्ल्यू डैश
डब्ल्यू डैश हो जाएगी एम जी डैश समीकरण नंबर 2। तो अभी केंद्र बल ये आप निकाल लेंगे, अभी केंद्र बल यह बराबर होता है एम आर ई ओमेगा स्क्वायर, सूत्र होता है तुम लोग पढ़े हो, यह बराबर एम गुण ए, तो यह वही अब ए के जगह यह भाई होता है आर ई ओमेगा स्क्वायर रखा गया। ठीक, अब का जी अब जैसे सूत्र होता है कि डब्ल्यू डैश माना जो परिवर्तन होता है माना जो भार होगा भार डैश प्रारंभिक भार में से बल को घटा देते हैं, तो इसके जगह पर एम जी डैश से क्या आपने लिखा है एम जी डैश डब्ल्यू डैश की जगह पर, तो एम जी डैश लिख लेंगे, डब्ल्यू की जगह पर एम जी लिख लेंगे माइनस जहाँ एफ बा उसकी जगह पर एम आर ई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ एम जी डैश यहाँ दोनों में एम है एम कामन तो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कामन तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। अब कौन का है देख रहे हैं, जी डैश जो है उसको गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन करते हैं, जी को क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, आरी को क्या कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या, ओमेगा को क्या कहते हैं कोणीय वेग, ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर ले इसको, तनी सबको तैयारी कर लेना तुम लोग।